हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो जैसा कि आप टाइटल देख के समझ रहे हैं, थंबनेल देख के, तो ये लुक होने वाला है अंकिता लोखंडे का इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो मैंने ये कैसे रिक्रिएट किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो। चलिए देख लेते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है स्टेप बाई स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सीरम से स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैं ले रही हूँ वो टोनर, ये है गुड वाइब्स का। इसको मैं अपने फेस पर अच्छे से स्प्रे कर लूँगी, अप्लाई कर लूँगी। देन मॉइस्चराइजर के लिए मैं ले रही हूँ ये पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है ये ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको जरूर बाय कीजिएगा। सभी प्रोडक्ट के लिंक जो मिल जाएंगे आपको, वो मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। देन प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ ये है ब्लू हेवन का प्राइमर है। ये सिलिका जेल बेस में आता है तो ये काफ़ी अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। सिलिका वाले प्राइमर काफ़ी अच्छे होते हैं तो उनको इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने टी-ज़ोन एरिया पे। देन फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का मूज फाउंडेशन। सो ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है समर्स में। तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी कुछ इस तरह से और देन इसको मैं ब्लेंड करूँगी कबूती ब्रश की हेल्प से। ये काफ़ी अच्छी कवरेज देता है एंड इसके बाद आपको कॉम्पैक्ट अप्लाई करने की भी नीड नहीं होती है। तो ये अगर आपके ऑयली स्किन है तब भी आपको नीड नहीं पड़ने वाली है कॉम्पैक्ट अप्लाई करने की। तो मैं कुछ इस तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी। देन कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ ये है ओलिविया की टैन स्टिक और इसमें मेरा शेड है 01। इसको मैं अपने टी जोन एरिया पर अप्लाई कर लूँगी, आईलिड पे, बिज ऑफ दी नोज पे एंड माउथ के अराउंड। देन इसको ब्लेंड करूँगी सेम ब्रश की हेल्प से, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छी कवरेज है ओलिविया टैन स्टिक की भी। सो मैं इसको उस तरह से कुछ ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं कंसीलर को लॉक करने के लिए यहाँ मैं अप्लाई करूँगी ये वेट एंड वाइट का कॉन्टोर पैलेट है और उसमें से मैंने बनाना शेप पिक किया है। फिर अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी इससे। अपनी आईब्रोज को क्लीन करने के लिए मैं ले रही हूँ ये वेट एंड वाइट के आईब्रो पिक है। इससे मैं अपने आईब्रोज को उसी शेप में फिल कर लूँगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से अच्छे से। मैंने इस गुली की हेल्प से अच्छे से कॉम कर लूँगी ताकि हमारा आईब्रो अच्छे से सेट हो जाए। देन यहाँ आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ ये निका के की शुगर प्लम पैलेट है, शेड नंबर में शुगर प्लम है ये। सो मैं ऐसा कुछ उसमें इनके आई मेकअप में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जो मुझे आइडिया लगा मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डार्किश पर्पल शेड है उसको मैं पूरे अपने ओवरऑल आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी क्रीज में भी। सो कुछ भी उनके आईज़ में ऐसा मेकअप आई मेकअप समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने यही अप्लाई कर लिया, कुछ इस टाइप से ही लगा था क्योंकि उनका पूरा जो मेकअप है वो पिंक है तो मैंने उसी के अंडरटोन में आके आई मेकअप क्रिएट किया है। सो मैं कुछ इस तरह से एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से पूरी आईलिड पे। देन इसी में से ये शिमर शेड है, ये भी पर्पलिश पर्पल सा थोड़ा सा पिंकिश है, इसको मैं अप्लाई कर लूँगी फिंगर की हेल्प से अपने, थोड़ा सा ये कि आपका आई मेकअप थोड़ा सा शिमरी दिखे, पूरा मैट ना लगे, इसलिए मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। देन लाइनर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ये है एस क्यू का आई लाइनर, उससे मैं सिंपल सा लाइनर ड्रॉ करूँगी। सो मैं कुछ इस टाइप से लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। देन काजल के लिए मैं ले रही हूँ ये भी एस क्यू का काजल है, जैसा कि आप देख रहे हो उनकी उन्होंने वाटर लाइन में अप्लाई नहीं किया हुआ है काजल, सिर्फ अपने आउटर अपने लोअर लैश लाइन पे ही अप्लाई किया हुआ है। तो कुछ उस टाइप से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ इसको। देन थोड़ा सा मैं स्मज आउट कर रही हूँ वही पर्पल शेड पिक करके बगंडी शेड, तो उसी की हेल्प उसी काजल के साथ मैं थोड़ा सा स्मज कर ले रही हूँ उसको। देन कॉन्टोरिंग के लिए मैं ले रही हूँ वही सेम पैलेट पैटर्न बैड की कॉन्टोर पैलेट और अपने चीक से कॉन्टोर कर लूँगी एंड फोरहेड को कॉन्टोर करूँगी एंड अपनी जो लाइन को भी कॉन्टोर कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पर नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए मैंने लिया ये फ्लैट ब्रश है, स्मॉल फ्लैट ब्रश, इसकी हेल्प से अपने नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी अच्छे से।
फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड भी कर लूँगी। देन ब्रश के लिए मैंने लिया है यहाँ बी आर का ब्लशर पैलेट और उससे मैं पिंक शेड पे करके ब्लश अप्लाई कर लूँगी अपने अपलॉफ चीक्स पे। तो उनके जो चीक्स लग रहे हैं बिल्कुल पिंक पिंक लग रहे हैं, उन्होंने हाइलाइटर भी पिंक कलर का अप्लाई किया हुआ है। सो कुछ वैसे ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। और हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है ये सिवाना की शिमर ब्रिक है 04 शेड नंबर। सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिटेल्स वगैरह भी। सो मैं इसमें से पिंक शेड भी किया है मैंने हाइलाइटर का। सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक बोन्स पे, फोरहेड पे अप्लाई करूँगी, फिर जो अपनी नोज़ पे अप्लाई करूँगी, क्यूपिड्स को एंड चिन पे अप्लाई कर दूँगी इसको मैं। लास्ट रो में यहाँ मस्कारा अप्लाई करना भूल गई थी तो मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये है ब्लू हेवन का मस्कारा है, इसको मैं अपने अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस दोनों पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सिंगल सिंगल कोट अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने फॉल्सेस अप्लाई करनी है। देन उसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये है हुडा ब्यूटी की ड्यूप लिपस्टिक है मजेंटा, जो मैंने लास्ट रो में यूज़ की थी वही है ये, उसी से मैच करता हुआ शेड है ये। तो मैं थोड़ा सा जो मैं आज लिप शेड अप्लाई कर रही हूँ ये ओम्ब्रे लिप शेड अप्लाई करने वाली हूँ, उसको मैं सिर्फ आउटर अप्लाई करूँगी, देन मिडिल में फिल करूँगी। ये किस ब्यूटी की लिपस्टिक है इसका शेड वगैरह मुझे भी याद नहीं है। तो कुछ इस टाइप से ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाएगा, उनकी जो लिपस्टिक लग रही है थोड़ी सी ओम्ब्रे इफेक्ट दे रहा है, तो मैंने कुछ वैसे ही अप्लाई किया है ये। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी तरह की वीडियो की रिक्वेस्ट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर पूरा करूंगी। सो मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड गाइस।